आज हम आए हैं सोनिया विहार के चौथे पुस्ते पर। मैं आपको दिखा दूं, जिस तरीके से मोदी जी का नारा है स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से स्वच्छ भारत है और स्वस्थ भारत है। ये देखिए, यहाँ पे इतना तमाम कूड़ा है कि यहाँ पे आने वाली पब्लिक जो है, जो आती होगी, उन्हें कितना मतलब बीमारियाँ उनको कितनी लगती होंगी। जिस तरीके से तमाम हैजे की बीमारियाँ हैं, डायरिया है, और भी तमाम बीमारियाँ होती है, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब बीमारियाँ इन सब गंदगी की वजह से फैलती है। आप देख सकते हैं कितना दूर तक ये कूड़ा फैला हुआ है, इतनी बदबू आ रही है यहाँ पे और इतना गंदा लग रहा है यहाँ पे। और जब हम लोग भी यहाँ से जा रहे थे तो इतनी बदबू आ रही थी हमें, जिससे हमें मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे आम पब्लिक कैसे रहती होगी। साथ में ही मैं आपको दिखा दूँ बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है कि यमुना नदी उपयोगी है, कृपया इसे साफ एवं स्वच्छ रखें, इस क्षेत्र में कूड़ा व पत्तियां जलाना दंडनीय अपराध है। यहाँ पे कूड़े के बारे में भी लिखा गया है, गंदगी के बारे में भी लिखा गया है, फिर भी यहाँ पे लोग बाग कूड़ा किस तरीके से डाल जाते हैं। कुछ तो लोगों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे खुद के स्वास्थ्य के बारे में है। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो हम आगे और कैसे तरक्की कर सकते हैं और ये देश कैसे तरक्की करेगा। तो मैं आप यहाँ पे आम लोग भी हैं, आम पब्लिक भी है, तो मैं उनसे बात करना चाहूंगी। कूड़ा कैसे, मतलब इतना सारा कूड़ा है, कोई मतलब यहाँ पे उठाता नहीं है, क्या है ऐसा? नहीं, ये एमसीडी वाले डालते हैं कूड़ा। हाँ, एमसीडी वाले खुद डाल के जाते हैं। एमसीडी वाले डालते हैं, वैसा नहीं डालो, कोई एमसीडी डाल दिया कूड़ा खिंचवा देंगे। तो तमाम ये कूड़ा कितने दिन तक है यहाँ पे, कितने दिन से है? अभी तो मैं देख रही हूँ ये यहाँ पे चल रहा है, ये कूड़ा काफी दिन का रखा हुआ, ऐसा लग रहा है 5-6 महीने से चल रहा है यहाँ कूड़ा। ये मतलब अभी भी इसमें सफाई नहीं हुई नहीं। है 5-6 यहाँ डालते हैं कूड़ा, रोज गाड़ी यहाँ आती है, यहाँ डालती है। अच्छा, फिर लाएंगे मशीन को, अंदर करा देंगे। तो आपको इससे कितनी दिक्कत होती है? सारी दिक्कत हो रही है, बोरी चलाने को दिक्कत हो रही है, कोई आग लगा जाए पूरा प्रदूषण हो जाए, धुआं धुआं हो जाए, गाड़ी आवे फारगेट वाली वो बुझाने आती है, बदबू आती है, धुआं, आग लग जाती है, आग लग जाती है, और कुछ बीमारियां भी फैलती हैं। और सारी बीमारी हो ही रही है, अब देख लो कितनी बदबू आ रही है, खड़े हो गए यहाँ, बदबू है यहाँ पे, मैं खुद दिन में हम लोग जा रहे थे तो आ रही थी। इस तरीके से मोदी जी का नारा है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तो क्या कहेंगे इस कूड़े को देखते हुए? ये खराब है, ऐसे तो कुछ स्वच्छ भारत नहीं है। जी आप बताएंगे कौन यहाँ पे कूड़ा फेंक के जाता है? एमसीडी वाले फेंक के जाते हैं जी, कूड़ादान बना रखा है, एमसीडी वाले खुद ही फेंक के जाते हैं यहाँ पे। कभी आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, फिर दोबारा बुझा के जाते हैं, फिर लग जाती है, धुआं से पूरा प्रदूषण बैठने लगता है। एमसीडी वाले भी जो ये मेल जाम चल रही है रात को, वो भी यहाँ डाल जाते हैं इस कूड़े की वजह से, जो भी ये सब चीज गंदगी पूरी, ये भी यहाँ डाल जाते हैं सब कूड़े। तो आपको आने जाने में दिक्कत होती है, बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। बगल में पार्क भी है, इसकी वजह से कोई आता भी नहीं इस पार्क में। अच्छा, ये बगल में पार्क है, इसी कूड़े के वजह से यहाँ पे नहीं आते हैं लोग, क्योंकि बदबू आती है। आप लोग यहाँ से स्कूल जाते हो तो ये कूड़ा है यहाँ पे, क्या कहोगे कि इतनी आप लोगों को दिक्कत भी होती होगी? हाँ, बहुत दिक्कत होती है। क्या मतलब? सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में, और रोजाना मच्छर पैदा होते हैं, इससे मच्छर पैदा होता है इसी कूड़े के कारण, कूड़े के कारण। हाँ, तो क्या कहोगे सरकार से, क्या कहना चाहोगे कि आप एक बालक हो, बालक होने के नाते आप लोगों को खाली घर में नहीं, बाहर भी खेलने के लिए पार्क बनाया गया है। पार्क में जिस तरीके से खेलने के बजाय यहाँ पे तमाम बीमारियाँ आप लेके के जाओगे, तो क्या कहोगे सरकार से? इस कूड़े को साफ करवाने के लिए कहेंगे। तो इस बच्चे ने भी कहा कि कूड़े को साफ किया जाए, क्योंकि इस कूड़े पर इतनी गाय आती है, 24 घंटे गाय यहीं लगी रहती है इस कूड़े पर, गंध संत को खाती है गाय। तो आपका कहने का मतलब है कि एक प्रॉपर, आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक अलग से कूड़ादान बनना चाहिए, पूरा रोड पे कूड़ा फेंका हुआ है, पूरे रोड पे ही है, और यहाँ पे सब सोच भी करके जा रहे हैं, मुझे लगता है बिल्कुल सही बात है, शौचालय टाइप में भी बन गया है, बिल्कुल सही। यहाँ पे आती है, ये पार्क भी है साथ में, और ये कूड़ा बना रखा है यहाँ पे, कूड़ा फेंक के जाते हैं,
इसकी प्रॉपर कोई जगह नहीं है, तो क्या कहेंगी कि कितनी दिक्कत होती है आप? हम लोगों को तो यहाँ पे बहुत परेशानी होती है, गली में देखो तुम कूड़े के नाली में से निकाल के चले जाते हैं, कोई उसको फेंकने वाला ही नहीं है। हम लोग तो बहुत परेशानी में है। यहाँ पे कौन फेंक के जाता है? ये एमसीडी वाले फेंकते हैं, और कौन फेंकता है, कोई हम लोग थोड़े आते हैं फेंकने के लिए। अच्छा, एमसीडी वाले ही खुद यहाँ पे फेंक के जाते हैं? पूरा एमसीडी वाले ही, एमसीडी वाले ही फेंकते हैं भाई। अच्छा, क्या कहेंगी? गलिये गलिये से लाते हैं, ट्रैक्टर पर फेंक देते हैं यहाँ पर लेके। चुनाव चुनाव तो दे ही देते हैं, लेकिन बनाएंगे तभी तो करवाएंगे। आप चुनते हैं, नेता चुनते हैं, तो कुछ उम्मीदें करके ही तो चुनते हैं, तो क्या कहेंगे जो उम्मीदें आप लगाए रखे हैं वो सब पूरी नहीं होती हैं? पूरी कहाँ करते हैं वो लोग सर। अब चुनाव भी चुनाव तो ले ही लेते हैं, चुनाव तो ले लेते हैं, चुनाव खत्म हो जाते हैं कि अपना अपना घर बैठ जाते हैं। हम पब्लिक पूरे रह रहे हैं यहाँ, दिनों में इतना बदबू जाता है कि पूछे मत, कलोनी तक बदबू जाता है, जैसे हवा चला तो एकदम कलोनी तक बदबू जाता है, कलोनी से उठा के सब यही फेंकते हैं एमसीडी वाले, सब एमसीडी वाले कमी है ना। ये एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है बाल राम लीला कमेटी में आपका हार्दिक स्वागत करती है, रामलीला पार्क ई ब्लॉक चौथा पुस्ता सोनिया बिहार। फोन नंबर भी लिख रखा है, जिस तरीके से यहाँ पे ये पार्क बनाया गया है तो मुझे तो नहीं लगता ये पार्क है, ये गली सी लग रही है, और साथ में ही कूड़ा फेंकते हैं लोग, तो चलिए गली भी है लोग बाग, अब सर्दी है, सर्दी के टाइम में महिलाएं आती हैं, बैठती हैं, बच्चे खेलते हैं, और बच्चे खेलने भी आए हैं, मैंने उनसे बात भी करी है, तो जिस तरीके से उन्होंने दिक्कतें बताई अपनी कि यहाँ पे बदबू आती है, मच्छर काटते हैं, फिर भी वो बच्चे हैं, बच्चे ज़्यादा देर तक तो देखो घर में नहीं रह सकते बच्चे, उन्हें बाहर आना होगा, और वो खेलते हैं बच्चे, तो वो कहाँ खेलने जाएंगे? ये पार्क के नाम पे ये पार्क बनाया गया है, मैं आपको दिखा दूँ, ये पार्क है, ये सिर्फ नाम मात्र का पार्क बनाया गया है सोनिया विहार में।